अगर आप कावासाकी Z650 जैसे सुपर बाइक खरीदना चाहते हो तो ऑन रोड प्राइस के साथ साथ आपको इस वीडियो में बताएंगे कितना डाउन पेमेंट करने के साथ आप ये बाइक खरीद सकते हो, मंथली EMI स्कीम क्या होगी, साथ ही साथ बताएंगे इस बाइक की मंथली सर्विस कॉस्ट कितना हो सकती है, कैसे आप इस बाइक को मेंटेन कर सकते हो। सारे फाइनेंस डिटेल्स एंड सर्विसिंग डिटेल्स आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम कोलकाता शोरूम में आ चुका है। तो काफी दिनों के बाद हमारे साथ रमजूर भाई है। हाय रमजूर भाई, कैसे हो? I'm good. How are you? तो बस फाइन। आज हमारे पास जो है एक बजटेड सुपर बाइक है, वन ऑफ द बेस्ट बजटेड सुपर बाइक है, कावासाकी Z650। तो काफी डिमांड है बाइक का और ये 2025 मॉडल है, तो पहला मॉडल है, फर्स्ट टाइम कोलकाता शोरूम में आ चुका है। तो भाई आज स्पेशली ये वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि जो लोग ये बाइक खरीदना चाहते हैं तो कितना, पहले तो ऑन रोड प्राइस बताएंगे, फिर कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करने के साथ ये बाइक खरीद सकते हैं, EMI स्कीम थोड़ा सा आपसे पता करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस बाइक का जो स्पेसिफिकेशंस है वो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, फिर आके बताएंगे लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस और रमजूर भाई बताएंगे कि कितना डाउन पेमेंट करने के साथ ये बाइक खरीद सकते हो। और साथ ही साथ कोई भी इंक्वायरीज रहेगा जैसे सर्विस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस और EMI स्कीम क्या होगा, डिटेल्स में रमजूर भाई से हम लोग पता करेंगे। ये ऑल न्यू 2025 कावासाकी Z650, ये कलर जो हमारे सामने है यह मेटालिक स्पार्क ब्लैक कलर, इससे पहले लाइम ग्रीन के साथ ये ब्लैक कलर आती थी, पर 2025 का जो मॉडल है यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर के साथ एक मेरून रेड का टच दिया गया है जो काफ़ी बढ़िया लुक दे रही है इस बाइक में। तो ओवरऑल बाइक का लुक देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी एग्रेसिव लुक और कलर टोन जो है पहली बार ब्लैक के साथ रेड के कॉम्बिनेशन आपको कावासाकी की ये बाइक देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले इस बाइक की लुक्स के बारे में आपको बताएंगे और करेंगे इस बाइक को ऑन और शुरू करते हैं इस बाइक की लाइट सेटअप से। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक वेब की मिल जाती है, बाइक को करते हैं ऑन और फ्रंट से इस बाइक का लुक देखिए। तो यहाँ पे जो लाइट सेटअप है फुल LED लाइट सेटअप के साथ ही बाइक आती है और जैसे ये नेकेड कैटेगरी की एक बाइक है तो यहाँ पे फ्रंट लाइट देख सकते हैं, काफ़ी रोबोटिक लुक के साथ ये लाइट सेटअप है, फुल LED लाइट सेटअप के साथ ये बाइक आती है। और अगर रेयर प्रोफाइल की लाइट सेटअप की बात करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टेल लैंप जो है, यहाँ पे जेड पैटर्न का एक टेल लैंप आपको ऑफर की जाती है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। और साथ ही साथ जो साइड इंडिकेटर्स हैं, जो ब्लिंकर्स देख सकते हो, काफ़ी ब्राइट एक ब्लिंकर्स आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है। तो ओवरऑल जो इस बाइक के लाइट सेटअप है काफ़ी बढ़िया है, फ्रंट का लुक काफ़ी एग्रेसिव लुक के साथ ये बाइक आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको एक रेडिएटर देखने को मिलता है और जैसे ये पैरेलल ट्विन इंजन है ये बाहर से आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ जो एग्जॉस्ट है देखिए, ये अंडर बेली एग्जॉस्ट आपको इस बाइक में दी गई है जो काफ़ी बढ़िया लुक दे रही है इस बाइक में। यहाँ पे जो फिट एंड फिनिश है काफ़ी बढ़िया है और रेयर प्रोफाइल में देखिए यहाँ पे ग्रैबरिल मिलता है, हालांकि स्पीड ग्रैबरिल है पर ग्रैबरिल का जो पैटर्न है ये अलग है। यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट ऑफर की जाती है, तो देखिए जो पिलियन वाला सीट है ये काफ़ी वाइड लगेगा दूसरे स्पोर्ट्स बाइक से, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पिलियन बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको 790mm का सीट हाइट मिलता है, ये सीट भी काफ़ी वाइड है, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल सीट आपको यहाँ पे मिल जाती है। सीट क्वालिटी भी देख सकते हो, काफ़ी प्रीमियम सीट क्वालिटी आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है। और यहाँ पे आपको मिल जाती है 15 लीटर का फ्यूल टैंक और साथ ही साथ शेप देख सकते हैं, काफ़ी एरोडायनामिक शेप आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ से आपको मीटर को करना पड़ेगा ऑन। तो इस बाइक में आपको 4.3 इंच का TFT डिस्प्ले ऑफर की जाती है, देखिए यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर, RPM मीटर, यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज और यहाँ पे KTRC मतलब कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे ट्रिप और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाती है जहाँ पे आपको राइडिंग स्टेबिलिटी दिख जाती है इस बाइक की। तो ओवरऑल जो मीटर कंसोल है काफी बढ़िया है, ऐसा सेम आपको वर्सेस 650 में सेम मीटर कंसोल आपको ऑफर की जाती है, मतलब कलरफुल TFT डिस्प्ले आपको इस बाइक में मिल जाती है। लेफ्ट साइड में अगर हैंडल बार देखें यहाँ पे काफी प्रीमियम क्वालिटी के हैंडल बार आपको मिल जाती है, यहाँ पे देखिए अपर डिपर बटन, यहाँ पे साइड टर्न, यहाँ पे हैजर्ड बटन मिल जाती है, यहाँ पे हॉर्न और यहाँ पे आपको मिलता है एडजस्टेबल क्लच लीवर, मतलब क्लच एंड ब्रेक लीवर जो है दोनों ही एडजस्टेबल लीवर के साथ आती है जो एक बढ़िया चीज़ है इस बाइक में। और राइट साइड से देखिए यहाँ पे इंजन ऑफ, इंजन ऑन स्विच और यहाँ पे आपको इग्निशन बटन ऑफर की जाती है। तो ओवरऑल जो ग्रिप है, जो क्वालिटी है काफ़ी प्रीमियम है। अभी अगर टायर सेक्शन की बात करें तो फ्रंट में आपको डनलॉप की टायर ऑफर की जाती है, यहाँ पे आपको 120/70x17 इंच का रेडियल टायर ऑफर की जाती है और रेयर में आपको मिल जाती है 160/60x17 इंच का रेडियल टायर। तो दोनों ही टायर रेडियल आपको ऑफर की जाती है, साथ ही साथ डनलॉप की टायर मिल जाती है। तो टायर का सेक्शन देख सकते हैं, काफ़ी चौड़ी एक टायर आपको यहाँ पे मिल जाती है जो डेफिनेटली इस बाइक के लिए काफ़ी अच्छा ग्रिप देने वाली है। और अभी अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें जो खास करके इस बाइक में काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग आपको देखने को मिल जाता है, फ्रंट में आपको मिलता है 300mm का ट्विन डिस्क, तो देख ही सकते हैं दोनों साइड में इस बाइक में पेटल डिस्क ऑफर की जाती है, तो देखने में काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी तगड़ा ब्रेकिंग आपको देती है इस बाइक में।
और रियर में आपको मिल जाती है 220mm का डिस्क। तो इस बाइक में आपको फ्रंट में ट्विन डिस्क ऑफर की जाती है एंड ओवरऑल जो डिस्क है दोनों ही डिस्क आपको ABS के साथ इस बाइक में दी गई। तो इस बाइक में स्पीड के साथ साथ जो ब्रेकिंग सिस्टम है काफ़ी बढ़िया है। अभी अगर सस्पेंशन की बात करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोई USD सस्पेंशन आपको नहीं ऑफर की जाती है, एक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिलती है फ्रंट में और रियर प्रोफाइल में आपको मिलती है हॉरिजॉन्टल बैक मोनोशॉक एब्जर्वर जो एडजस्टेबल है। तो फ्रंट में आपको USD सस्पेंशन नहीं मिलती है, फिर भी ओवरऑल जो सस्पेंशन सेटअप है इस बाइक में अच्छा दी गई है, मतलब टेलीस्कोपिक है, इसके मतलब ऐसा नहीं कि सस्पेंशन खराब है। तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में बहुत ही बढ़िया एंड क्वालिटी सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ओवरऑल बाइक की टायर सेक्शन, ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन काफी बढ़िया है इस रेंज के बाइक के हिसाब से। और अगर इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 130mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो थोड़ा सा कम है। हालांकि Z900 में इससे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर की जाती है, पर इस बाइक में आपको 130mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। तो चलिए भी बात करते हैं इस बाइक की मेन पार्ट, इस बाइक की इंजन के बारे में। और फाइनल फ्रेंड्स, अगर इस बाइक की इंजन के बारे में बात करें तो डेफिनेटली इस बाइक में आपको 649cc की लिक्विड कूल पैरेलल ट्विन इंजन ऑफर की जाती है, जहां पे आपको 68 BHP का पावर एंड 64 Nm का टॉर्क ऑफर की जाती है। तो एक स्टार्टिंग रेंज के सुपर बाइक के हिसाब से काफी बढ़िया इंजन सेटअप आपको इस बाइक में मिल जाती है। तो रमजू भाई, अभी थोड़ा सा बताइए, पहले तो बताइए इस बाइक का ऑन रोड प्राइस अभी क्या चल रहा है? अभी जो है इसका ऑन रोड 2025 मॉडल का है 8,12,000 ऑन रोड वेस्ट बंगाल। तो जैसे 8,12,000 ऑन रोड प्राइस है, तो अगर कोई ये बाइक मतलब ऑन फिनेंस में खरीदना चाहते हैं तो कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? ये मिनिमम वही अराउंड 20-25% करना पड़ता है, जो कि 1,80,000-2,00,000 तक आता है। अच्छा, तो अब अराउंड अप्रॉक्स पकड़ लीजिए 2,00,000 मिनिमम डाउन पेमेंट करना, मतलब ओनली 2,00,000 डाउन पेमेंट करने के साथ ये बाइक फिनेंस में हो जाएगी। और कितने साल तक ये फिनेंस हो सकती है? मैक्सिमम 10 ईयर जो है आपका 6 ईयर्स का होता है। 6 ईयर्स का होता है, ओके। तो उसी हिसाब से अगर ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करें, मान लीजिए कोई 2,00,000 rupees डाउन पेमेंट किया और 6 ईयर्स तक उसको मतलब EMI में कन्वर्ट किया, तो मंथली एवरेज कितना आ सकता है मंथली EMI? अगर कोई 2,00,000 डाउन पेमेंट करता है, 2,00,000 डाउन पेमेंट करता है और मैक्सिमम 10 ईयर ऑफ 6 ईयर्स जो मैं बोला उतना तक का 10 ईयर लेता है, तो एवरेज में आपका मंथली EMI अराउंड 11,800 के करीब आएगा। 11,800 EMI स्कीम में अप टू 6 ईयर्स तक ये बाइक फिनेंस हो जाएगी। रमजू भाई, देखिए ये एक अल्टीमेटली एक सुपर बाइक है, तो जो कोई मतलब सुपर बाइक का प्लानिंग करते हैं तो उसके मन में बाइक के स्पेसिफिकेशंस के साथ साथ एक और क्वेश्चन आता है कि मंथली कितना खर्चा आ सकता है बाइक की मेंटेनेंस के ऊपर। क्यों आप लोग यही सोच रहे होंगे कि एक सुपर बाइक तो ले ही लिया पर बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा? हालांकि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कावासाकी के हर कोई बाइक में, हर कोई सुपर बाइक में खर्चा बहुत कम है, तो फिर भी एक बार आइडिया दे दीजिए कितना खर्चा आ सकता है। पहला बात तो है कावासाकी में आपका इंजन रिलायबिलिटी, और दूसरा बात है आफ्टर सेल सर्विस, जो कि प्रीमियम बाइक्स में मेन इशू आपको मेजर इशू बाकी ब्रांड्स में आपको फेस करना पड़ता है, वो है आपका पार्ट्स अवेलेबिलिटी, जो कि कावासाकी का बाइक का बहुत ही बढ़िया है, जिसके वजह से इंडियन मार्केट में भी कावासाकी डिमांडिंग है। यस, तो मतलब सपोज कुछ भी पार्ट्स आपका स्पेयर्स में इशू आया, या फिर कुछ आपका पार्ट्स चेंज करना पड़ रहा है, या फिर कोई एक्सीडेंटल मतलब एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, तो उसमें क्या हो रहा है आपका बाकी ब्रांड्स में आपको वेटिंग पीरियड जो है वो सब पार्ट्स का बहुत लंबा है, जो कि कावासाकी में आपको फेस नहीं करना पड़ता है। कावासाकी में आपका ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम ऑफ द पार्ट्स इंडिया में अवेलेबल है, वर्कशॉप में ही अवेलेबल रहता है। और दूसरा बात आपका जो हो गया है, ये ट्विन पैरेलल इंजन है जिसमें आपको पावर भी प्रोड्यूस करती है अच्छी खासी और डिसेंट अमाउंट ऑफ माइलेज भी दे देता है, तो उसमें क्या हो गया आप डेली कम्यूट भी कर सकते हैं, बिल्कुल, प्लस पावर है, आप हाईवे में इसको लेकर के लंबा टूर भी मतलब प्लान कर सकते हैं। इसके बाद माइलेज जो है ऑन एन एवरेज अराउंड 20 का माइलेज मिल जाएगा, अच्छे से राइड करो तो 20+ 20-25 कह सकते हैं, हाईवे में अबव 20 मिलेगा आपको। ओके, हाईवे मतलब आप ये बाइक लेके तो स्पीड में बोलना नहीं चाहता हूँ, पर जो स्पीड भागेगा तो स्पीड मेंटेन करके चला होगा तो 20-25 दे सकते हैं। आप एवरेज में अगर 120-130-140 के अंदर अगर क्रूज करते हैं तो आपको ये आँख बंद करके अबव 20 का माइलेज 20 दे देगा, यही सबसे 23 तक भी मिलता है। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, अगर सर्विसिंग के बात करें तो कितना मंथली ऑन एन एवरेज कितना सर्विसिंग? पहला सर्विस तो है वो जल्दी होता है बस, ओके, इधर 1,000 किलोमीटर और आपका विद इन अ मंथ, विच एवर कम्स अर्लियर, 1 month और 1,000 किलोमीटर, राइट, उसके बाद से जितना सर्विस होगा आपका 6,000 किलोमीटर या फिर 6 महीना का। तो सुपर बाइक लेके 6,000, यस, वो 6,000 किलोमीटर मतलब काफी होता है सुपर बाइक के साथ। इतना सर्विस कॉस्ट एवरेज में आपको 7,500 तक
मैक्सिमम 7,500 से 8,000 तक मैक्सिमम सर्विस कॉस्ट इस बाइक की आ सकती है। बाकी मैं हूँ अभी स्पीड कावासाकी कोलकाता में, अगर आप कावासाकी की कोई भी बाइक खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे सारे कलर सारे वेरिएंट्स नए नए आते रहते हैं और ये रमजूर भाई साहब मेरे को इन्फॉर्म करते रहते हैं और आपके सामने मैं नया नया बाइक प्रेजेंट करता रहता हूँ, तो नया कोई अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स आप अगर ऐसे सुपर बाइक खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा। मेरा भी ड्रीम है कि एक सुपर बाइक मैं खरीदूं, तो हालांकि ये Z650 जो है काफ़ी बढ़िया बाइक है। देखिए सीटिंग पोस्चर भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको 790 mm का सीट हाइट मिलती है, 191 kg के कार्बोवेट के साथ आती है, काफ़ी बढ़िया बाइक है। तो आपको ये बाइक कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और भी कोई क्वेरीज है तो आप लिख सकते हैं कमेंट्स में, मैं जो भी क्वेरीज देखता हूँ तुरंत उसका रिप्लाई भी देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई नया सुपर बाइक लेके, तब तक के लिए सेफ राइड, सेव लाइफ।